हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ध्रुव और आप देख रहे हैं द बाइकर 360। और आज हम बाइक के रिव्यूज के बारे में बात नहीं करेंगे, किसी प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करेंगे, बल्कि हम एक शख्सियत के बारे में बात करेंगे, उनसे मिलेंगे और उनके बारे में बताएंगे। बहुत सारे लोगों ने उनको ट्रैक्स पे देखा होगा, सुपर बाइक्स के साथ देखा होगा। कैन यू इमेजिन गाइस, कैन यू गेस, शी इज हियर। हेलो मैम, वेलकम टू द बाइकर 360। देख के लगता नहीं है कि आप बाइकर है। How you started this biking journey? My journey started about 5 years ago. Okay. And this was after a visit to Wood Circuit with a biker friend. And बस कुछ नहीं, I was just standing there at the grid watching these guys going past. And that passion inside me struck me in a way where I said this is something I have got to do. And once I returned back home, I went back with that thought, with that passion of coming back again. And उसके बाद बस एक RC 390 ली and उसपे practice session start किया, borrowed some second hand leathers from some riders, and that's how my journey in biking started. And post that, in 2015 the JKTI Superbike Championship was coming up. That's when I started racing for the first time, and there's been no looking back since then. So कभी parents ने बोला नहीं, बेटा क्या कर रहे हो आप यार? अब बाइक चला रहे हैं, लड़कों वाला पैशन फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कभी रोकने की कोशिश नहीं करी मम्मी ने? क्योंकि मेरी मम्मी तो बड़ी नाराज होती हैं, बेटा रात रात को आती हो, बाइक लेके चले जाती हो, सो व्हाट अबाउट यू? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को कभी रोका नहीं है पेरेंट्स ने, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू देम। लेकिन हाँ, स्पेशली माय मदर, शी इज वेरी वेरी स्केयर्ड ऑफ माय रेसिंग। सो पहले रेस में मेरी मम्मी आई थी एंड ऑडियंस में बैठी थी, तो उनको लगा कि ठीक है नॉर्मल, यू नो दे बी टेकिंग लैप्स एंड स्टफ। आफ्टर द फर्स्ट लैप शी स्टार्टेड हाउलिंग, I mean she was so scared, she said is this how you ride? Because aap almost 275 ki speed se aap parents ke samne ja rahe ho, so which parents normally get scared, but they've always told me because they somewhere see the kind of happiness that this the riding or biking gives me. Uske baad they've never stopped me. Of course whenever I leave home they always tell me ride safe and give me a few tips and stuff, but otherwise overall they've been very supportive. So आप एक डॉक्टर भी हैं, वो भी दांतों के डॉक्टर हैं, एंड टेल मी वन थिंग कि ये डॉक्टर एंड सुपर बाइकर का बैलेंस कैसे बनाते हैं आप? मतलब वीकेंड में सडनली डॉक्टर से एक सुपर बाइकर राइडिंग गियर्स पहने एंड ट्रैक्स पे ड्यूड? या जब मैं क्लिनिक में होती हूँ तो दिस इज समथिंग आई ऑलवेज से, व्हेन आई एम इन क्लिनिक आई फॉरगेट अबाउट द ट्रैक, व्हेन आई एम ऑन ट्रैक आई फॉरगेट अबाउट माय क्लिनिक, दैट्स हाउ आई जगल बिटवीन द टू, एंड मेरा होल वीक क्लिनिक चलता है and over the weekends I go riding. So that weekend for me is my time, where I focus on my riding, I focus on my skills, I focus on working on my timing. So that's how you always, where there's a will, there's a way. You always find a way to balance out your passion and your profession. बिल्कुल। अब हमें tracks के बारे में बताइए, achievements कैसे practice करते हैं, hard work कितना करना पड़ता है उसके लिए? लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि okay हम bike लेके जाएंगे, tracks पे race करेंगे, या especially youngster जो inspired होते हैं कि okay हमें biking करना है, ठीक है, हमेशा अपने parents को तंग करते हैं, पैसे दीजिए biking लेना है, और निहारिका जी करती है, हमें भी करना है। तो अब ये बताइए उन youngsters को कि भैया like उनको कैसे आना चाहिए इस फील्ड में, और सेफ्टी के बारे में? पहली बात तो यू हैव टू फोकस ऑन योर एजुकेशन, समथिंग आई ऑलवेज ऑलवेज गाइड पीपल ऑन, ऑलवेज मेक श्योर दैट योर एजुकेशन इज कम्प्लीट, बाइकिंग विल हैपन फॉर यू, आपको हमेशा टाइम मिलेगा अपना पैशन परस्यू करने के लिए। पोस्ट एजुकेशन, वंस यू आई वॉन्ट टू टेक दिस अप एज अ स्पोर्ट और यू टेक इट अप एज अ प्रोफेशन और वट एवर इट इज, गेट योर योर रेसिंग लेदर्स प्रॉपर, बिकॉज सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रॉपर गेयर, आपका हेलमेट, सेल सर्टिफाइड हेलमेट जो ट्रैक पे यूज़ होता है, प्रॉपर सेफ्टी गेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो लेके देन उसके बाद यू प्रॉब्ली कम ऑन अ लोअर सीसी बाइक सो दैट यू कैन प्रैक्टिस मोर, पुश इट हार्डर, इन अ वेरी सेफ्टी पैरामीटर्स ऑफ गुड सर्किट व्हिच इज वेयर वी यूजुअली गो इन रेस और राइड, एंड दैट्स इट। उसके बाद आप अपना प्रैक्टिस करिए, हर मंथ ट्रैक डेज होते हैं, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ इट, गो बी अ पार्ट ऑफ इट, प्रैक्टिस एंड देन दैट्स इट। अच्छा, टेल मी वन मोर थिंग, लाइक आप वो फाइटिंग स्पिरिट ट्रैक्स पे कहाँ से लेके आते हैं? बिकॉज नॉर्मल वर्किंग डेज में ना आप डॉक्टर हैं, एक बहुत जेंटली बिहेव करते हैं, बट हम जब ट्रैक्स जाते हैं तो आपका पूरा मूड चेंज हो जाता है, तो फाइटिंग स्पिरिट कहाँ से
राइड करते हैं? हम लोग जब ट्रैक पे जाते हैं इट इज बेसिकली अ गेम ऑफ सेकंड्स. यू नो देयर इज अ ट्रांसपोंडर, देयर इज अ स्क्रीन, ट्रांसपोंडर ऑन योर बाइक व्हिच कैलकुलेट्स योर टाइमिंग्स. तो वो टाइमिंग जब आप स्क्रीन पे देखते हैं एंड यू सी व्हाट पोजीशनिंग यू हैव, इट ऑटोमेटिकली पुशेस यू टू यू नो टू कंप्लीट और टू रियली वर्क ऑन योर टाइमिंग सो दैट यू नो यू कम इन पार विद द पीपल हु आर डूइंग रियली वेल विद देयर टाइमिंग्स एंड हु आर वर्किंग हार्ड ऑन इट. सो वो जो पैशन है या जो आप बोले ना जो फायर है अंदर, वो ऑटोमेटिकली वंस यू आर देयर यू स्ट्रैप ऑन योर हेलमेट एंड यू गेट ऑन योर गियर. You know, you're like a warrior. Yeah. And especially women riders के लिए जो इस फील्ड में आना चाहती हैं, उनके लिए क्या मैसेज है? Women riders के लिए मैं ये बोल रहा हूँ. हमने बहुत कम women riders इस फील्ड में देखा, generally नहीं देखते हम. Yeah. Women riders के लिए I would say that you know don't have any barrier in your own mind. Because अगर आपके अपने mind में barrier है, तो आप दूसरे आपको वैसे ही they'll demotivate you, तो आपको लगेगा कि नहीं I can't do this, it's dangerous or you know it's just listen to your own voice. If you want to do this, you will get the right platform, you will get the right people to help you out. आप अपना राइडिंग गेयर लीजिए, अपना हेलमेट लीजिए, ठीक है ना, एंड बाइक बाइक पे बैठ के आप एटलीस्ट पहले ट्रैक पे मेक द फर्स्ट मूव, गेट कंफर्टेबल विद द लाइंस, गेट कंफर्टेबल विद द कॉर्नर्स, एंड आफ्टर दैट यू नो विद टाइम विद एक्सपीरियंस एंड विद प्रैक्टिस यू विल मास्टर इट. थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा. Thank you.